नमस्कार, खबर फास्ट पर स्टेट इन फोकस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। शुरुआत करेंगे बड़े खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला से जुड़ी बड़ी खबर है। चौटाला के स्वागत की कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर ली है गुरुग्राम में। प्रदेश भर से इनेलो कार्यकर्ता पहुंचेंगे इससे पहले अपनी रिहाई के लिए। तिहाड़ जेल जाएंगे चौटाला, 9:30 बजे तिहाड़ जेल पहुंचेंगे ओम प्रकाश चौटाला। यानी कि अब से करीब 35 मिनट बाद चौटाला जून को पूरी हुई ओपी चौटाला की सजा। तो 23 जून को ओपी चौटाला की सजा हुई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमकार जुड़ गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता ओमकार जी जुड़ गए हैं। ओमकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। जी धन्यवाद जी। ओमकार जी, इनेलो के लिए बहुत ये खुशी का पल होगा कि आज पार्टी के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अब पूरी तरह से रिहाई होने जा रही है। कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है, बस हस्ताक्षर करने उनको जाना है। तो पार्टी इस मामले को किस तरह से देख रही है? खुराना जी, मैं आपको बता दूं, पार्टी के लिए तो एक पल बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खुशी का है। इसके साथ साथ हरियाणा के प्रत्येक वासी के लिए एक पल बहुत खुशी का है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 7 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, और ये ऐसी सरकार है जो किसी भी पक्ष की नहीं सुन रही, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सैलरी वाला हो, कोई व्यापारी हो, किसी पक्ष की नहीं सुन रही, और प्रत्येक पक्ष आज सरकार से निराश है। लेकिन सरकार फिर भी अपने डंके बजाने की कोशिश कर रही है। आज तक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने विपक्ष की आवाज बुलंद करी, ये मात्र एक विधायक होते भी उन्होंने सड़क से लेकर विधानसभा तक किसान की, मजदूर की, प्रत्येक वर्ग की आवाज उठाई। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल शांत बैठी हुई है और बीजेपी से गठबंधन करके बैठी हुई है। आज प्रदेश की जनता इसलिए खुश है क्योंकि जनता परेशान है, कोई विपक्ष में किसी कोई पार्टी का बड़ा नेता नहीं है। आज जनता को, प्रदेश की जनता को हरियाणा में एक विपक्ष, सशक्त विपक्ष का नेता मिल गया है जो बराबर में खड़ा होकर जनता की आवाज को किसी भी लेवल पर, किसी भी मंच पर उठाएगा, और विशेष तौर पर किसानों का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हो, किसान चाहे किसी ग्रुप से संबंधित हो, आज खुशी मना रहे हैं। इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन किसान वर्ग और आम जनता भी आज इस खुशी में शामिल है कि हरियाणा का आने वाला भविष्य जो वो उज्ज्वल रहेगा। और कम से कम ये लूट खसूट जो इन्होंने मचा रखी है हर एक जगह पर, किसी भी नगर पालिका को देख लीजिए, किसी भी थाने को देख लीजिए, किसी भी बिजली विभाग को देख लीजिए, खर्चे बेतहाशा हो रहे हैं लेकिन जनता फिर भी दुखी है। आज वो लूट खसूट को बंद होने का समय आ गया और इसमें प्रदेश की सारी जनता खुश है, इनेलो का कार्यकर्ता तो खुश है ही। ओमकार जी, ओपी चौटाला जी के रिहाई के बाद आपको क्या लगता है कि इनेलो की जो खुद की सियासत है वो प्रदेश में कितनी बदली बदली सी नजर आएगी? और इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर जो बड़ी बातें लगातार सामने आ रही थी, खुद अभय चौटाला ये कह चुके हैं कि अगर चुनाव आयोग इजाजत देगा तो वही हमारे उम्मीदवार होंगे, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि प्रदेश की सियासत इनेलो के लिए खास तौर पर उनके पर्सनल लेवल पर कितनी बदली हुई सी होगी? खुराना जी, आगे तो जो बदलेगी वो तो आप भविष्य बताएगा, लेकिन 23 जून से लेकर आज 2 जुलाई तक कितना कुछ परिवर्तन हो चुका है प्रदेश की सियासत में, सबके सामने में है। पहले जैसे बड़ी बड़ी बातें करते थे, किसानों को दबाने की बात करते थे, आज वो बात नहीं हो पा रही क्योंकि इनको मालूम है एक सशक्त नेता इनके बीच आ चुका है। और दूसरा, जहां तक इलाहाबाद चुनाव की बात है, इलाहाबाद चुनाव में भाई अभय सिंह चौटाला जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई कानूनी अड़चन आई तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ही वहां से उम्मीदवार होंगे, और शायद हरियाणा में सबसे बड़ा इतिहास लिखा जाएगा उस उपचुनाव में। पहला उपचुनाव भी वहां पे 55 वर्ष पूर्व चौधरी अभय सिंह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जीता था, और ये चुनाव जीतकर एक रिकॉर्ड स्थापित होगा और उससे इनेलो की लहर पूरे प्रदेश में चल पड़ेगी।
और अगर बात करें यहाँ पर पार्टी के पर्सनल लेवल पर, अभी कोई भी यहाँ पर आपका विधायक नहीं है और सीट भी खाली है, उपचुनाव होना है, जब होगा जब देखेंगे। लेकिन अगर बात करें पार्टी के प्रतिशत को लेकर, जनाधार को लेकर, तो पार्टी का भविष्य इनेलो किस तरह से देख रही है जमीनी स्तर पर, और खास तौर पर तब जब ओपी चौटाला की आज पूरी तरह से रिहाई हो जाएगी, हस्ताक्षर उनके हो जाएंगे। खुराना जी, ये सब सर्वविदित है कि दो वर्ष पूर्व विघटित के होने पर जेजेपी नाम की एक नई पार्टी सत्ता में आ गई थी, उसमें आ गई थी, समाज में आ गई थी, जिसके बारे में लोगों को जितने वहम थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। आज जेजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है और बहुत से कार्यकर्ता वापस इनेलो में ज्वाइन कर चुके हैं और अब तो ज्वाइन होने की धड़ी लग जाएगी एकदम से। और चौटाला साहब के नेतृत्व में समाज में एक बहुत, हरियाणा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और हम सब इस बात से खुश हैं कि कम से कम बीजेपी के कुशासन से हमें सबको मुक्ति मिलेगी। पहले हमने आंदोलन लड़े कि कांग्रेस का कुशासन हटाया जाएगा, वो कुशासन इस बार हट जाना था, लेकिन पारिवारिक फूट की वजह से और एक व्यक्ति के लिए सीएम आया, इसकी वजह से आज हरियाणा जो देख रहा है, और आज किसान वर्ग विशेष तौर पर किसी को दोषी माने ना माने, वो दुष्यंत चौटाला को दोषी जरूर मान रहा है, क्योंकि इनकी वजह से बीजेपी दोबारा सत्ता में आई। बीजेपी को तो हरियाणा की जनता ने बिल्कुल नकार दिया था, तभी इनको 70 पार करने वालों को 40 सीटें आई थी, लेकिन इन्होंने दोबारा से, जेजेपी ने दोबारा से समर्थन देके एक बुराई का समर्थन किया है जिसको समाज एक तरफ से देख रहा है। ओमकार जी, लेकिन इनेलो को ऐसा क्यों लगता है कि अगर ये उपचुनाव, अगर मान लीजिए कि अगर एक पल के लिए कि जीत भी गए, तो ऐसे में अगर ये इनेलो की तरफ से लगातार यूं ये क्यों कहा जाता रहा है कि प्रदेश की सियासत में भूचाल आ जाएगा अगर उपचुनाव जीत गए तो, प्रदेश की जो सियासत है उसकी अलग से दृश्य देखने को मिलेंगे और खास तौर पे जो बीजेपी है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कुराना जी, हर 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 बार प्रदेश और देश में एक ही ऐसी घटना घटती होती है जिससे पूरा वातावरण परिवर्तित हो जाता है। आप याद कीजिए 2013 में एक छोटी सी घटना ही हुई थी, अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन को लेके ही बीजेपी सत्ता में आ गई थी, आज तक अच्छे दिन नहीं आए। तो ये एक घटनाक्रम ही होता है और ये घटनाक्रम आज समाज और हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जाएगा। जब अगर चौटाला साहब वहां पे खड़े होते हैं तो जनता में एक लगाव तो है ही। आज वो तकरीबन 8-8.5 वर्ष के बाद अगर वापस आ रहे हैं तो जनता को मालूम है वो किस साजिश के तहत जेल में गए थे, ये जनता समझ चुकी है। आज उनके बाहर आने से एक नया परिवर्तन, एक नया वातावरण बनने की पूरी संभावना और बनेगा भी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए और अपनी बात सामने रखने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, चौटाला के स्वागत की कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर ली है। 23 जून को ओपी चौटाला की सजा पूरी हुई थी, तो इससे पहले अपनी रिहाई के लिए तिहाड़ जाएंगे चौटाला, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और इनेलो के प्रवक्ता ओमकार सिंह ने बताया कि ओपी चौटाला के आज पूरी तरह से रिहाई हो जाने के बाद प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा और लगातार इनेलो की तरफ से बात कही जाती रही है कि गठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो चौटाला के स्वागत की कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर ली है, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, गुरुग्राम में पहुंचेंगे प्रदेश भर से इनेलो कार्यकर्ता, इससे पहले अपनी रिहाई के लिए तिहाड़ जेल जाएंगे चौटाला, यानी कि अब से करीब आधे घंटे बाद ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल पहुंचेंगे और जो कुछ औपचारिकताएं बची हैं उनको पूरा करने के बाद ओपी चौटाला पूरी तरह से रिहा हो जाएंगे। तो जेबीटी भर्ती घोटाले को लेकर उन्होंने ये सजा काटी है जो अब पूरी होने जा रही है, महज औपचारिकताएं बस पूरी करने जाना है, उसके बाद पूरी तरह से ओम प्रकाश चौटाला रिहा हो जाएंगे।